सबसे पहले तो आप सबका रिश्ता मुझसे इतने सालों से रहा है मेरे साथ, करण के साथ, सबके साथ है। इट्स एक्सट्रीमली एम्बेरसिंग कि आज हमें इस तरीके से मिलना पड़ रहा है, बिकॉज अभी तक हम रेड कार्पेट्स में मिले हैं, बाइट्स के लिए मिले हैं, वैलेंटाइंस डे के लिए मिले हैं, एट्सेट्रा। मैं यहाँ आज सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काविश बड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पढ़े, मैं चाह नहीं रही थी, 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हो गए हैं, इतने सालों में भी बहुत कुछ हुआ बट किसी को कुछ पता नहीं चला, राइट। बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले जब करण चंडीगढ़ में थे, तो उसके बाद आई डोंट नो मैं कितना बोलूँ मैं कितना नहीं बोलूँ, बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड वे में बोल पाऊँगी मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, यू नो जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक यू नो कभी होता है यू इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल इज लाइक नो आई लव समवन एल्स, आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विथ हर। तो मैंने कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप उसको? तो इसे वो दिल्ली से, और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपने फैमिली से वो दूर रह सकें। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था, टू आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब ये हुआ भी, आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियाँ हैं या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या यू नो वाइफ्स होंगी। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ। तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है। फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला, हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काविश छोटा है। तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं। तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट। यू नो मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यू आर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ इस रिश्ते पे या यू नो तो ठीक है, यू नो वील वर्क ऑन इट, मैं वापस चली जाऊँगी। और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन, मैं चली गई थी और फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ, हमारी बात हुई सब हुई। लाइक आई सेड मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई। उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वॉज लाइक यू नो जब किसी से गलती होती है तो आप यू ट्राइंग टू मेक अप, यू ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट, वो सब करण ने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले, आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट। अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू नो आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है। दूसरी चीज़, करण्स बिहेवियर ओवर द ईयर्स इन द लास्ट 14 ईयर्स, दिस इज़ नॉट न्यू। ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफ़िकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूँ बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं, यू नो ऐसे ये सब करके करियर्स पे अफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी अभी। तो मैंने कहा ठीक है यू नो इट्स ओके, और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। यू नो शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे एज अ वुमन, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ द 21st century, आई टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स, आई टॉक अबाउट यू नो सो मेनी थिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया ऑल्सो दैट सपोर्ट्स मदरहुड,
यू नो मॉम शेमिंग या फिर अपने राइट्स के लिए खड़ा रहना चाहिए. कई बार मुझे लगा कि इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी एंड डोमेस्टिक अब्यूज इज नॉट ओके. कल रात को क्या हुआ उसके बारे में? एंड फिर सी देयर आर इमोशंस इन्वॉल्व. मुझे पता है आप अपना काम कर रहे हैं और आप शायद उतनी सी बात जानना चाहते हैं, बट मैं नहीं बोल पाऊंगी. अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि कल क्या हुआ, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी और मैं आपको चली जाऊँ. सो द पॉइंट भी, क्योंकि आप लोगों से इतना लंबा रिश्ता है लाइक आई सेड, और मुझे लगता है शायद आप ये जानना चाहेंगे. एंड यू शुड, यू शुड नो दिस, राइट? एनीवे, आई विल कम टू कल क्या हुआ. कल ये हुआ कि एक महीने पहले हमारी बात हुई जब करण चंडीगढ़ में थे, और मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज टू मच. तो कल हमारी बहस हुई. इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से 14 दिन, ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी हो गया. अब काविश छोटा है, काविश ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है. वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडमिक हुआ, तब से वो घर में ही बंद है. तो मैंने कहा कि यू नो जो कुछ भी छोड़ो, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी इट्स ओके. यू नो आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी, इट्स ओके. बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे, जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे, और मुझे लगता था कि नहीं, जबकि ये एक प्रॉब्लम है. यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी. यहाँ पर शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था. बट एनीवे, फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई. बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं. क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवा हुई, उनको खाना मिला, काढ़ा मिला, जो मेरा फ़र्ज था. बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ है. जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहे हैं, बोला क्योंकि वो विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे. विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप. यू नो इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है. तो करण ने बोला नहीं हो सकता है. इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है. वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ. यू नो लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ, आई डोंट गेट इन टू दोज डिटेल्स. तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाया, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम. सो विक्की हैज़ ऑलवेज बिन द ब्रदर. इवन जब आप लोग शादी में भी आए थे, उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी. तो मैंने और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया, मम्मी को भी मैंने बाद में बताया. एनीवे, तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए, तो मैंने घर उनको बोला अब मुझे आपसे बात करनी है. एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बींग, बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू वॉट यू हैव डन. वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है. सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही इज सो स्मार्ट. घर में जहाँ जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजेंट डू एनी थिंग, बट जिस भी कमरे में लगे, इन आवर बेडरूम देयर इज नो CCTV कैमरा, वहाँ पे ही यूज टू ऑलवेज बिहेव बैडली विथ मी. एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी. सो एनी वे, करण हैड केप्ट अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ CCTV कैमरा जब से वो आए थे. बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब तक उनको करना, जब उनको खोलना होता था खोलते थे. फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल. तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 8-10 दिन पहले. मैंने कहा कि यू नो आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, यू नो ऑल दोज थिंग्स. एनी वे, वी वर इन द रूम, आई टोल्ड करण दिस इज़ नॉट हैपनिंग, यू हैव टू डू समथिंग, बिकॉज यू नो इट्स मी एंड द चाइल्ड एंड एज एक्टर्स वी आर इनकन्सिस्टेंट. मैंने करण को बोला जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है. खैर अभी यू गाइस आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स. करण टुक ऑल माय ज्वेलरी, ही मैनिपुलेटेड मी इनटू टेकिंग माय ज्वेलरी. आई गेव इट टू हिम बिकॉज आई थॉट ही इज़ माई हस्बैंड, राइट? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है. ही सेड यू नो वी आर अंडर सो मच फाइनेंशियल प्रेशर, घर है ये वो. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, आई एम विथ यू. सो इन माई फ्रॉम माई साइड आई हैव बीन सपोर्टिव. इवन मैंने कहा कि लुक
वी जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा इवन इफ वी नीड टू डिसाइड ऑन अ फिगर, क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, राइट? आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू बी अनरीजनेबल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई सेड वी हैव टू डिसाइड ऑन अ इन अ वे दैट ये आपके आपके ऊपर भी भार ना आए और मेरे ऊपर भी भार ना आए. एंड करण हैज बीन एक्सट्रीमली बैड व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग समथिंग लाइक दैट. ही सेड अगर मैं आपको हेल्प करूँगी, यू नो. सो ऑल माई स्त्री धन, ऑल द ज्वेलरी दैट आई गॉट, एवरी थिंग दैट आई हैव, आई गेट एवरी थिंग एंड आई डिडंट बैट एन आईलिड. और उसके बाद वो ये बोल रहे हैं इट्स अबाउट फ्रॉड. जब मैं करण सॉरी घर हमने 7 साल पहले खरीदा है, ज्वेलरी जून 2020 से बिकी है. ई एम आईज जो भी हमारे लोन्स हैं, जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड, मेरे इन्वॉइसेस भी वो ही रेज करता है, मेरे कैंपेन्स के कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं जो मैंने और काविश ने किया है, वो ये सब उसने करा हुआ है. आई डोंट वांट टू लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज़ इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे. हाँ, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है, बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज. कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से. यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स. ये पहले बार. नो नो दैट वन, या ये पहले बार. आई एम नॉट श्योर इफ आई लाइक शो इट सो आई विल डू इट. सो दीज आर द इमेजेस सामने इधर जो पहले की हैं ये इमेजेस. और मैंने लाइक आई सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस. हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट? आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है. बट व्हाई यू वर टॉलरेटिंग ऑल दिस सिंस? बिकॉज़ आई लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल डू, एंड आई वाज स्टूपिड. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. Sir, do you know that girl? Because he has a camera, or then madam. This is last night. You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, "Mom, you should have stood for your rights." And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ है कुछ भी है, बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी. बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो. आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो अननेचुरल नहीं है, किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से. सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेल्ड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगेगा, लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो. हाउएवर एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग, आई रियलाइज्ड कि क्या हुआ है. तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिंड मी ऑन द वॉल. सो आई सेड व्हाई डू यू हेट मी सो मच. जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात का हुआ तो काविश सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग. देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. देन आई डायल 100. आई सेड नाउ आई हैव टू स्टैंड, एंड द पुलिस केम होम, एंड उसके बाद आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, एंड देन आई कॉल्ड माय लॉयर बिकॉज आई डिडंट नो. करण आल्सो रिवील्ड दैट यू कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट एंड यू आर वेरी अग्रेसिव. यस, बाइपोलर हैं, बाइपोलर. सबसे पहली बात, आप में से कितने लोगों को पता है बाइपोलैरिटी क्या होती है? करण ने कुछ कहा, आप अब उसका क्वेश्चन बना के मुझे पूछ रहे हो. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू एंड फ्रॉम यू, वॉट इज बाइपोलैरिटी? एक इल्ज़ाम है. कैसे है इल्ज़ाम को? इल्ज़ाम
तब बोला जाता है जब आपको लगता है कि वो इल्जाम वर्दी है, तो आप पहले बताइए करंट का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से यू वर वेरी एग्रेसिव व्हाइल डेटिंग आल्सो यूज्ड टू नो थ्रोस डिड आई कम अक्रॉस लाइक दैट एवर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल कि उन्होंने आपने उन पे हाथ उठाया, आपके भाई ने भी हाथ उठाया, ऐसा भी उन्होंने मारा। सी आई विल टेल यू व्हाट, आई विल टेल यू व्हाट, दीस आर द थिंग्स दैट हैपेंड। ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू से दिस, ही इज नॉट गोइंग टू से हां मैंने किया है। जो इंसान का कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं है, अलग होते वक्त नहीं है, आप पीछे से जाके कुछ कर रहे हो, उस इंसान के कॉमेंट में मैं क्या बोलूँ, इट्स नेचुरल ही वॉज गोइंग टू से दैट। दिस इज नॉट शॉकिंग फॉर मी, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर, क्योंकि मैं अभी भी स्टूपिड हूं और मुझे लगता है ऐसे बोला करण ने, ऐसे बोला। यहाँ आने के पहले मैं बहुत रोई हूँ उसके हर स्टेटमेंट पर, एंड दैट्स वो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही हेड बैंग किया। आई नो ही इज सेइंग दैट, बट व्हाई वुड आई डू दैट, आई एम एन एक्टर, माय फेस इज प्रेशियस, आई हैव अ चाइल्ड, व्हाई वुड आई डू दैट। दूसरी चीज, लेट मी टेल यू अबाउट बाइपोलैरिटी। ये जो मैंने इमेजेस आपको दिखाई थी, बाइपोलैरिटी इज अ मूड डिसऑर्डर, इट हैपेंस ड्यू टू एक्सट्रीम ट्रॉमा एंड इट्स जेनेटिक समटाइम्स, ओके। I was diagnosed with bipolarity. I'm not gonna lie about it. I'm not ashamed about it. And it is not a pagal, jaise wo bol raha hai. Okay, it's a mood disorder. It's a mood disorder. And you all know how balanced I am. I create content. I write about things. I talk about things. Okay. I don't have to prove that. Like I said, I'm not here to prove anything. Right? जो पहली images मैंने आपको दिखाई, that was of 2014, उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ। आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ, बट लाइक आई सेड एवरीथिंग आई कांट शो टू यू ऑल। वी हैड लॉस्ट आवर चाइल्ड, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ये बात, कि 2014 सितंबर में आई वाज 5 months प्रेगनेंट एंड आई लॉस्ट माय चाइल्ड। एंड आप लोगों को पता होगा, मैंने रिसेंटली एक मॉम्स ग्रुप बनाया है फॉर वीमेन हु लॉस्ट देयर चिल्ड्रेन, यू नो, कम एंड टॉक, क्योंकि जब मुझे उस सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत थी तो वो सपोर्ट ग्रुप नहीं था हमारी कंट्री में। तो जब मैंने बनाया लॉस दैट चाइल्ड और करण का अब्यूजिव बिहेवियर, ये उसके बाद की इमेजेस थी। आई वॉन्टेड टू गो एंड टॉक टू माई थेरेपिस्ट, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम ट्रॉमा व्हेन अ वुमन गोज टू, यू नो, व्हेन शी लूजेज हर चाइल्ड एंड इन द मिडल ऑफ इट द हस्बैंड इज बीटिंग यू, इज इमोशनली अनअवेलेबल, ही वॉज टोटली डिटैच्ड, यू नो, एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू माई थेरेपिस्ट। हालांकि करण ने मुझे रोका था, ही नेवर लेट मी गो टू द जिम, हर चीज़ में ही वॉज वेरी कंट्रोलिंग। सो आई वेंट टू द डॉक्टर, आई सेड दैट not because of any reason, but because I thought that maybe I needed to counsel. And today mental health is given so much importance, jo aaj se shayad 5 saal pehle mujhe koi question puchta to main bolti ha mujhe bhi nahi pata hai, jo ki actually, you know, 2014 mein hi hua hai. And I was detected with a depressive phase of bipolarity, theek hai, and I took medication for it for about 2 to 3 months and it was fine. Ye kab ki baat hai, 2014 ki. Uske baad I've got that because मुझे पता था आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे। He said something like I'm on medication, right? He said I was living with a patient since like 4-5 years. I don't know what this means. Just hurts me. नहीं। Mama, we are with you. Why are you stressing? Nisha, you're stronger than this. Yeah, ये सब गलत है, तुझे पता है। August 2020. I have the prescription for my doctor. It was just a medication for anti-anxiety, and which was a very mild dose. My doctor's name is Dr. Kasi Chavda. He's a psychiatrist. You can reach out to him and ask him about my mental condition. And Lisa, what about the child custody? And the 2 months that you were living. What? 2 months that you were living. That's a lot. Ignorant. जैसे कि मैंने आपको बताया कि when I lost a child, a woman needs therapy. When woman needs to talk to somebody, right? He stopped me. I wanted to work out. He stopped me. छोटे-छोटे incidents like I got hurt घर पे. अपने आप ही एक चेयर से टकरा के मेरे पैर में लग गई थी कुछ महीने पहले. And I kept saying मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे एक्सरे करना है. अब आप लोगों को लगेगा a strong girl like you, why are you taking permission? Because Karan had all control. मेरे अकाउंट में भी कुछ आता था तो ही वुड ट्रांसफर इट टू हिज अकाउंट एंड देन ही वुड डू वट एवर ही हैज टू डू, वेदर ही वुड पे लोन्स, वेदर ही वाज डूइंग वट एवर. अब मेरा तो ट्रस्ट लूज ही हो गया. आई डोंट नो नाउ वट इज द रीजन, राइट, कि वेदर द रीजन वॉज ही इज गोइंग एंड मीटिंग अनदर पर्सन, आई डोंट नो वट इट वॉज. सो दीज एंड 2 महीने तक आई लिव्ड इन दैट फ्रैक्चर.
fractured finger. It was a chip of a bone or something, 2 mm bone. And that you can confirm with my doctor, Dr. Ashish Jain, who's an orthopedic. And I don't know what else can I tell you guys. Is there anything else that you want to ask me? Nisha, do you know that girl? No. Kavish doesn't know because father is not in the city. He's out in Chandigarh most of the time, right? So he's not here. And Kavish has an excellent routine, right? He goes to bed at about 7:30, 8:30. It's not like we were fighting in front of him. I never let anybody know about it. But Kavish is also not attached. Matlab Karan... 14 days Karan yahan the. Kavish ne Karan ka darwaza shayad ek baar khatkataya hoga. Aur Karan ne uske saath shayad 4 video calls kiye honge. Wo bhi mere pooch pooch ke ki yaar Kavish yahan pe hai. He knows that papa is here. Aap usse baat to kar lo. So what else can I say about this? Kavish is perfect. He's fine. Last month jab ye baat uthi thi ki rishton mein thoda sa khatas aa gaya hai. To abhi yahan apne thoda sa agar baat uthate to shayad kuch aisa na hota. मुझे चोट नहीं लगती वो तो कई बार ही होती थी देयर इज नो व्हाई एंड देयर इज नो रीजन व्हाट व्हाई आई डिडंट डू इट बिकॉज आई लव्ड हिम बिकॉज आई सॉ ही हैड एन अफेयर एंड आई वाज नॉट रेडी टू लेट गो बिकॉज आई लव्ड हिम दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम आई डोंट गिव अप ऑन पीपल इजीली बट यू वर लिविंग विद समवन Yes, I was. And that's why I went through that depressive phase is what I'm trying to say. I was. And my mom has been living with me for 2 years. A lot of my friends, lots to matlab se Rohit hai, Munisha, these are close friends, right? Munisha se I've consulted her for tarot. They know that things like that were happening. This is not an overnight thing. Aap logo ke liye ye shocking hai, par mere jo close friends hai, unko pata tha ye ho raha hai. Meri mummy ko nahi pata tha, because obviously aap apni mummy ko hurt nahi karna chahte. Aap sochte ho ki dost to ek baar samajh jayenge, right? Yes, I did not do it. Because I loved him. So there is no reason ki aapne pehle kyun nahi kiya aur aapne ab kyun kiya hai. Kyunki it's time we are separating. Abhi to aap bilkul hi low pe pahunch gaye ho ki aap separate hote hote bhi aap aise behave kar rahe ho. So I had to, and I have Kavish in my life now. So what about child custody? I will take the child custody. I'm more than happy. I don't think Karan is even interested. उसने कभी बोला भी नहीं है. मैंने करण को बोला अगर मैं भी आपके जैसे बिहेव करूँ क्योंकि अगर आप तो सिंगल हो जाओगे राइट आफ्टर द वाइफ एंड द चाइल्ड आर गॉन एंड आई सेड मैं भी आपकी तरह 1 BHK में रह सकती हूँ एंड यू नो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स एंड आई सेड बट विद अ चाइल्ड अ सिंगल पेरेंट आई विल नीड सम बेसिक सिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड I can't and उसकी लाइफ के हम कितना इकोसिस्टम खराब करेंगे हमारा तो जो भी हो रहा है करेक्ट सो ही सेड आई एम टू बिजी आई विल लीव देम लीव हिम विथ माय मम्मी पापा विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली सो आई डोंट नो कि इस पे बारे में हमारी कभी डिबेट नहीं हुई And also he said ki alimony ka note aap bahut zyada maang rahe ho he is earning 1 rupees and you asking for 3 rupees he is lying I don't know how else to say this he is lying He is lying. मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ If you want to do this, you can bring him in front of me and we can talk about everything that we've spoken about. And then you tell me whatever I'm asking for is justified or not. मैंने करण को ये भी बोला अगर आप नहीं भी पे कर पाओगे ना I will help you because we are actors. कल को आप कर रहे हो कल को मैं नहीं कर रही हूँ ये होता रहता है बट जब दो लोग साथ में होते हैं ना तो वो फिगर आउट कर लेते हैं बट जब अलग हो जाते हैं आपको कमिटमेंट ऑन पेपर देना पड़ेगा और आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है यार निशा निशा एक मिनट जस्ट सेफ मेरे को एक चीज़ बोलना है इस बारे में निशा ने पूरा सपोर्ट किया